अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपका? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगी। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो, और मेरी तरफ से इन जोड़ियों के साथ, मेहनत के साथ, और अल्लाह की ईद अच्छी गुजारे और हमारी ज़िंदगी में बहुत बहुत खुशियाँ लेकर आए। आमीन। और एक सारे गम बोल के, नाराज़गी बोल के हमें गले मिलना चाहिए और नाराज़गी ख़त्म करनी चाहिए। जो भी हमारी ज़िंदगी में रिश्तेदार हैं, बहन भाई हैं, सभी हैं, तो इस वजह से अब इतनी गुजारिश है कि आप प्लीज़ उनकी नाराज़गी ख़त्म करके उनसे गले मिलें और ईद मुबारक कहें। क्योंकि यही एक साल के बाद ऐसा मौका आता है कि जिस ये साल के बाद मौका आता है कि जिससे हम सारी नाराज़गी ख़त्म करके उन्हें गले मिलते हैं और गिले शिकवे दूर करते हैं और नई ज़िंदगी तरीके से ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं, शुरू करते हैं। तो ये देखिए मेरा सूट, ये मेरा सूट है, ये मैंने आपको दिखाती हूँ। और मैं घर में खुद ही तैयार हुई हूँ, क्योंकि मैंने आपको कहा था ना कि सिस्टर मेरी बीमार है, तो वो हॉस्पिटल में है, लेकिन उसे वो घर आ गई है, तो उसे छुट्टी मिल गई है, लेकिन वो फिर भी होश में नहीं है, तो इस वजह से हमें जाना पड़ जाए फिर उसका पता लेने के लिए। तो इस वजह से मैंने कहा चलो ईद की छुट्टियाँ हैं बच्चों के स्कूल के लिए, तो हमें जाना चाहिए। तो इस वजह से देखें हम जाते हैं कि नहीं जाते। तो देखिए इस वजह से मैंने ये भी नई सूट सिलाई किया था, लेकिन घर के लिए तो मैंने ये पहन लिया था। मैंने कहा कि जो फैंसी है वो सुबह पहन के चली जाऊँगी अगर हमने जाना पड़ा तो। सुबह मैंने उठी और नमाज पढ़ी, सेवियाँ वगैरह बनाई हैं। अभी दोपहर हो चुकी है, 11 बज चुके हैं। बच्चों को पहले तैयार किया है, फिर खुद तैयार हुई हूँ, और अभी उनसे ईदी भी लेनी है। देखिए ईदी कितनी देती है, लेकिन मैंने उनसे ईद मांगी है तो कहते हैं कि ये पैसे आप सारे। मैंने कहा नहीं, जितनी मेरी ईद बनती है आप प्लीज़ मुझे उतनी ईद दें। तो देखिए देते हैं कि नहीं देते। बच्चों के साथ वो बाहर गए हुए हैं, क्योंकि यार हम बहुत तंग कर रहे हैं, तो बाहर बहुत बहुत प्यारा मौसम है। और ये मैं ऊपर आ गई, बहुत ऊपर, इतना प्यारा मौसम है। ये देखिए हवा भी चल रही है, ये देखिए, और जो कपड़े हैं वो उड़ रहे हैं, और बहुत प्यारा मौसम है। तो इतनी धूप भी नहीं है ना इतनी गर्मी है। और फ्रेंड्स आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ, मेरा मेकअप कैसा है। तो ये मैंने खुद ही मेकअप किया है, बस नॉर्मल वगैरह से तैयार हुई हूँ, क्योंकि आपको तो पता है परेशानी हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से बस घर में नॉर्मल वगैरह तैयार हो गया, क्योंकि बच्चे भी देखते हैं कि हमने कपड़े पहन लिए, मामा ने क्यों नहीं पहने। सबको खुश रखने के लिए बहुत कुछ इंसान को भूल के आगे बढ़ना पड़ता है। तो वो गम की घड़ी एक साइड पे है और इधर की खुशी एक साइड पे है, क्योंकि जब इंसान को ना बहुत ऐसे ज़िंदगी में होके आती है कि इंसान को आगे बढ़ना होता है सब कुछ भूल के। तो मुझे इतनी अपने घर वालों की परेशानी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। तो मैं चाहती हूँ कि काश हमारे पास भी गाड़ी होती, हम मिनट में चले जाते और मिनट में ही आ जाते। तो इस वजह से लोकल जाएं तो 4-5 घंटे लगते हैं। तो 4-5 घंटों में आपको पता बच्चे मत मार देते, इतना तंग करते हैं मैं आपको क्या बताऊँ। तो इस वजह से देखो हम सुबह जाते हैं कि नहीं जाते, तो आपसे मुलाकात होती रहेगी। लेकिन मौसम अभी भी प्यारा, लेकिन गाड़ी वगैरह तो बंद होगी ना, क्योंकि आज ईद का पहला दिन है। तो ये देखिए मैं आपको अंदर लेके जाती हूँ, कमरे की सारी सफाई वगैरह मैंने की हुई थी। तो आपको मैं यहाँ दिखाती हूँ अच्छे तरीके से ड्रेस, क्योंकि मैं वहाँ दिखा नहीं पाई। ये देखिए फ्रेंड्स, ये इसकी शलवार है और ये इसकी कमीज है और ये इसका दुपट्टा है। ये देखिए ये लोन का सूट है और ये प्रिंट है, अगर इसमें कढ़ाई वगैरह नहीं हुई। और ये देखिए ये पीछे भी प्रिंट है और बैक साइड पर भी। तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में मुझे बताना कि आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा और मैं आप वो मेरा मेकअप कैसा लगा। और प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको कौन सी बात बुरी लगी, कौन सी अच्छी लगी, तो आप प्लीज़ मुझे बता दिया करें, क्योंकि मैं आगे से गौर करूँगी और ध्यान भी रखूँगी। तो आगे से ध्यान रखें, अगर कोई बुरी बात आपको लगी हो तो उसके लिए सॉरी। तो अगर अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको कौन सी बात अच्छी लगी, कौन सी बुरी। तो सुबह में उठी, नमाज की, जल्दी जल्दी सेवियाँ बनाई, वो नमाज़ पढ़ने के, बच्चे भी साथ गए, जैन भी साथ गया था, उम्र भी साथ गया था, और मानो और मैं अभी तैयार हुई हूँ।
तो अभी हम लोगों ने खाना वगैरह बनाना है दोपहर का। तो पहले हमारा इरादा था कि बाहर जाने का, लेकिन नहीं, हम बाहर नहीं जा सके क्योंकि अगर हमने सुबह जाना हुआ तो फिर हम वहीं जाएंगे, तो बाहर इस वजह से नहीं गए। और लेकिन वैसे मौसम तो बहुत प्यारा है जाने का, लेकिन हम जा नहीं पाए, घर में ही रहेंगे, खाना वगैरह खाएंगे। तो ये मैं आपको मेहंदी दिखाती हूँ, ये मैंने खुद लगाई है, मामा को भी लगाई थी और मैंने भी खुद लगाई थी, बच्चे जब सो गए थे तब लगाई थी। और ये देखिए, इधर नहीं लगाई, इधर लगाई है। और ये चूड़ी है, ये देखिए। और आपने बताना है मेरी चूड़ियाँ कैसी लगी, सूट कैसा लगा और मेरा मेकअप कैसा लगा, और इनमें से कौन सी चीज़ अच्छी लगी आपको, कौन सी बुरी लगी। तो फिर भी घर के लिए नॉर्मल सा तैयार हो गई हूँ और अभी भूख भी इतनी लगी हुई है तो खाना वगैरह भी बनाना है तो बस सेवियाँ खाई हैं और सुबह का कुछ भी नहीं खाया। तो कुछ घर की परेशानी है और कुछ टेंशन है इधर की भी, तो बस टेंशन को पीछे छोड़ के ना इंसान को थोड़ा सा आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन यहाँ तक ना टेंशन, जितनी तक यहाँ से दूर ना जाए टेंशन, उतनी देर तक कुछ नहीं होता। और बाहर इतनी प्यारी हवा चल रही है तो मुझे काफ़ी कुछ नज़र नहीं आता क्योंकि अंधेरी चल रही है ना, धूल मिट्टी है, तो इस वजह से हम कमरे में आ गए हैं। तो और जो अम्मी लोग हैं वो भी अपनी बेटी के पास जा रहे हैं कि हमने तो सुबह जाना है अपने, मैंने अपनी अम्मी के घर सिस्टर का पता लेने। और ये देखिए, इधर मैंने मेहंदी नहीं लगाई, इधर कुछ नहीं लगाया, सिर्फ रस्म पूरी की है एक हाथ पे लगाने के लिए, और चूड़ियाँ एक हाथ में डाली हैं, एक हाथ पे मेहंदी लगाई है। तो बस दोबारा फिर कहती हूँ कि आपको बहुत बहुत ईद मुबारक, और आप प्लीज़ नूर बानो चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक शेयर कर दिया करें, और चैनल को ज़रूर ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के आगे शेयर किया करें। तो बस आपसे इतनी गुजारिश है कि आप प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को बहुत बहुत सपोर्ट करें, और आपके साथ की और सपोर्ट की बहुत बहुत ज़रूरत है। आप प्लीज़ ब्लॉग को पूरा देखा करें, मिस ना किया करें, और आप ऐसे ही ब्लॉग मेरे देखते रहें और मुझे सब्सक्राइब करते रहें। और मैं बहुत बहुत उम्मीद के साथ आपके लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग बनाने की कोशिश करती हूँ। और यार बहुत मेहनत लगती है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पैकेज कराओ, अगर पैकेज ना हो तो ब्लॉग नहीं बना सकते, पैकेज कराओ और फिर तैयारी करो ब्लॉग बनाने की। बहुत टाइम भी वेस्ट होता है और बहुत मेहनत होती है, अगर आप ना देखें तो बहुत दुख लगता है ना, तो आप प्लीज़ देखा करें, मुझे भी अच्छा लगा करेगा। आपका कुछ नहीं जाता, मैं आपको मौसम दिखाती हूँ बाहर का, ये देखें कितना प्यारा मौसम हो रहा है, इतनी प्यारी हवा चल रही है, ये देखिए पीछे भी, ये देखिए किससे पर्दा उड़ रहा है, ये देखिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो तब के लिए खुदा हाफिज़।